अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मेरा कोई भी इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का। तबीयत खराब चल रही थी, मैं बेड पे लेटा था। आज हम लोगों ने बस सुकून से बैठ के सारा दिन यहाँ पे मैंने अपने सेटअप पे बैठ के एडिट किया है, मैंने और सारा ने, और हम लोगों ने हमारा व्लॉग आज पोस्ट किया है। और जैसे ही व्लॉग पोस्ट किया है तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है, अभी तक आवाम तक नहीं पहुँचा, वो टाइम लगता है, मगर फैमिली आई लव यू ऑल, कॉल्स पे कॉल्स मेरी खालाओं की, मेरी 8 खालाएं, और उन लोगों ने सिर्फ मुझे इन रिस्पॉन्स बातें बताई कि इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, हम हंस हंस के यहाँ गिरे वहाँ गिरे। उनके लिए तो एक वो बहुत ही वियर्ड और यूनिक एक्सपीरियंस था, बट दे इन्जॉयड इट, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। और मैं तो आज लेजी डे बना रहा था, मगर फिर कॉल आई मेरी सास की, डॉक्टर बिल्किस, जल्दी आओ, तुम लोग के लिए खुशखबरी है, घर पर पहुँचो। एंड आई वॉज लाइक ओके। तो भाई अभी उठे हैं, कपड़े पहने, घड़ी पहनी, तैयार हुए, ये हुए, और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करें, जबकि मेरा आज व्लॉग में करने का मूड नहीं था। तो एनीवे, लेट्स सी व्हाट शी हैज़ इन स्टोर फॉर अस। एंड सारा इसलिए नहीं आ रही है, बिकॉज सारा तैयार नहीं हुई है सही से, ठीक है ना। तो हम घर जाएंगे एंड देन फिर हम आपको वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो होपफुली इस दफ़ा जब मैं हाथ वाला ट्रांजेक्शन करूँ तो मैं भूलूँ नहीं उसका वापस करना। भाई मैं तो अब ससुराल अपने पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो पहले मैं जाता हूँ, सबको सलाम वगैरह करता हूँ, उनसे बात वगैरह करता हूँ, सब करता हूँ, और उसके बाद फिर हम आते हैं डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि ऐसी गुड न्यूज़ क्या थी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मुझसे वाकिफ़ हैं, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। शाहनवाज भी आपसे मिल चुका, मेरी बेटी भी मिल चुकी, शाहनवाज मेरे दामाद हैं। और खुशखबरी क्या थी शाहनवाज बेटे, जो मैंने आप लोगों को बता दें? भाई बता दें, इंट्रो आपको सब पहचानते हैं, सब पहचानते हैं इंट्रो आपका, हमें बता दें खुशखबरी क्या है। अच्छा, जैसे ये लोग वीलॉग कर रहे हैं तो मेरे जहन में काफ़ी सालों से था कि मैं एक ऐसा पॉडकास्ट बनाऊं जिसमें ओल्ड एंड न्यू, यानी कि न्यू जनरेशन और हमारी जनरेशन, उनका गैप भी फिल हो, और जो हमारे पॉडकास्ट में आए वो आपसे ढकी छुपी नहीं अपने दिल की बातें करें, अपने तजुर्बात शेयर करें। तो क्या आप कह रही हैं कि मैं आपके पॉडकास्ट का होस्ट हूँ, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हुई थी? जी बिल्कुल, आप होस्ट हैं और मैं होस्ट हूँ, दो होस्ट और एक गेस्ट के साथ पॉडकास्ट इंशाल्लाह करेंगे, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कोशिश होगी हमारी। देखिए डिफरेंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन दिल की बातें होंगी और बहुत आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मैसेज वाला होगा। तो गाइस इसके साथ आप लोग ये समझ लो कि वन मोर थिंग यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, इसके हम लोग का पॉडकास्ट भी आ रहा है। मैं क्या करेंगे, दामाद और सास का यूनिक कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे पॉडकास्ट के अंदर। उसमें मैं थोड़ा, जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग बातें करते हैं, न्यू मीम्स लाएंगे, न्यू जोक्स लाएंगे, न्यू ज़माने का लाएंगे, और इनका तजुर्बा मैं आपको बता नहीं सकता कि इनका तजुर्बा एक 70-80 ईयर ओल्ड को भी क्रॉस करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई लिखाई की है। तो बहुत मज़ा होगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा भी करेंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। के अलावा रोज़ाना 100-200 लोगों से मिलना, उनके तजुर्बात को जो है ना अपने अंदर जज्ब कर लेना, क्योंकि हर आदमी एक जो है ना लेसन होता है। तो मेरे ख्याल में जो मेरी 18 साल की जर्नी है, वो उसका जो तजुर्बा है वो मेरी उम्र से कहीं ज़्यादा, वैसे तो अभी मैं शाहनवाज से कुछ साल बड़ी हूँ और मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती है, हमसे ज़्यादा जवान दिखती है, मेरी बीवी से भी ज़्यादा जवान दिखती है। बिल्कुल, अल्लाह आपको खुश रखे, नजरें बच से बचाए, और हमारा पॉडकास्ट देखना जब भी रिलीज़ हो तुम लोग, सही है ना। और अगर हम लोग रिलीज़ नहीं करें तो हमको पेटिशन करवा करके रिलीज़ करवा देना, ठीक है, ओके, इंशाल्लाह। हाँ तो गाइस सारा तैयार होके आ गई है अभी बिल्कुल, और हम लोग, सारा ने वैसे मैचिंग कर ली से, मैं तो ऐसे ही साजू को बोलता हूँ कपड़े निकालो, वो निकाल देता है, और सारा फुल अपना भाई फैशन करती हैं। और आज सरप्राइजिंगली इतने जल्दी कैसे तैयार हो गई? 2 मिनट में तैयार हुई है, मैं मेरा 2 मिनट में करता मैंने करवाया जल्दी जल्दी मैंने जल्दी जल्दी करा। अच्छा आपने सुना आपकी मम्मा से मेरी क्या बात हुई? नहीं भाई, आपको पता है वैसे आपकी मम्मा और मैं साथ पॉडकास्ट होस्ट करेंगे। ये तो मुझे पता है, या आपको पता है ना, उनने पॉडकास्ट बोला साथ होस्ट करेंगे। अब मैं अभी से बड़बड़ अभी से ही बड़बड़ाने लग गया हूँ, मगर पॉडकास्ट पे ऐसे बड़बड़ाऊंगा नहीं, पूरा हम लोग वन शॉट देंगे, पूरा 1 आवर, आपने तो देखा है हम कैसे वन शॉट देते हैं, मगर एनीवे अभी का ऐसा प्रोग्राम है कि डॉक्टर साहिबा अंदर हमें बुला रही हैं कि आओ मुझसे मिलो, और फिर तुम लोग जाओ, तुम लोग कुछ खाओ पियो, ऐसे वैसे हमने तो डिनर प्लान्स बनाए हुए, तो सी यू देन। ये हुसैन आया था और हमें व्लॉगिंग करता देख के भाग गया।
हाँ तो भाई अभी डॉक्टर साहिबा ने बोला कि तुम लोग इंतज़ार करो, डिनर पे नहीं जाओ, हम डिनर पे जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि वो सारा के लिए कुछ चीज़ें खरीद के लाई हैं, भाई हम तो समझ रहे थे कि कुछ लिया होगा, यहाँ तो डॉक्टर साहिबा ने पूरी दुकान लगा दी है। अरे बेटा कुछ तो लिए हैं, कुछ जो है ना सारा से मुझे एक शिकायत है, सारा क्या करती, पहना उतारा पता नहीं कहाँ कर दिया, अब इसको जो इसमें से पसंद आएगा ना वो लेगी और बाकी चीज़ों का सत्यानाश कर देगी। और मैं इसको बोलूँगी, अच्छा जैसे मैंने इस पर इसको बहुत मुश्किल से ये पहना है, आप बताएं अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, ये देखिए अच्छी लग रही है ना, ये भी पहनने को तैयार नहीं थी, इसने क्या पसंद की थे वो बता। ऑल ट्रू। एक मिनट, इसने जो पसंद की थे वो बताते, कहाँ गया वो। अच्छा मैं इसके लिए इतनी ज्वेलरी, मुझे ये जब छोटी थी मैं इसके लिए गुड़िया लाती। वाओ ये देखो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने हैं कि? वाओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सारा आपके तो आउटफिट्स बन गए, आपके तो आउटफिट्स बन गए। अच्छा एक मिनट, मुझे पता है तुम लोग लीस्ट बॉदर हो, तुम लोगों को बस जल्दी जल्दी डिनर पे जाना है, मुझे पता है जिस तरह वाव वाव कर रहे हो ना। ये देखिए सारा साहिबा ये पहन रही थी क्योंकि मुझे ये क्यूट छोटा और एलिगेंट लग रहा तो था। तो जो ये पहना है वो क्यूट छोटा, आप लोग बताएं किसकी चॉइस अच्छी है, मम्मा या बेबी, इसने ये बताया। डॉक्टर बिल्किस, मम्मा, मम्मा टीम। ये मम्मा टीम पे पीछे से सारा जो है ना इसको वो दिखा रही है। ये देखिए मैं इसके लिए इतनी चीज़ें ला ला के रखूँगी और मुझे पता है इसमें से सारा ने कुछ भी नहीं पहनना, कुछ भी नहीं पहनना। अभी जैसे इन लोगों का मूड नज़र आ रहा है ना, और तो बस जाओ तुम लोग डिनर पे, है ना। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान है, ये सबसे प्यारी जानू। और भाई जो माँ अपनी औलाद से प्यार ज्यादा करती है ना, वो उसके लिए एक एक छोटी छोटी चीज लेके सेंसिटिव होती है। ये देखे भाई साला साहब, ये है हमारे साले, ये मेरा पाला सा मेरा लड्डू। हम थोड़ा हमारी माँ को प्यार भरा टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं, एक एक चीज उनकी देखते हैं, उनके साथ थोड़ा गप्पे शप्पे लगाते हैं और फिर हम डिनर पे जाएंगे। और मैं डिनर पे जाने से पहले एपेटाइजर के तौर पे होले खाऊंगी क्योंकि मेरे फेवरेट है। व्हाट आर होले? होले, हाँ होले कहते हैं, होले कहते हैं, हाँ बचपन से, आई लव इट। और गैस चली गई हमारे घर में भी, तो जो है ना इसको माइक्रो में, आखिरी वाला जो है ना माइक्रो में चलाया, पता नहीं कैसे बना होगा। भाई डिनर छोड़ो, हम तो यहाँ हॉले खाने में ही लग गए। हाँ ये मैं यहाँ पे खा के जमा करते जा रहा हूँ। और जस्ट बाय द वे पिछले कट से और अभी के बीच में तकरीबन 40-50 मिनट गुजर गए और हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और हॉले खा रहे हैं। भागो 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 भागो, पीछे मुड़ के ही नहीं देखना, नो आई कॉन्टेक्ट। तो बेसिकली अभी हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते के अंदर हैं, समझ नहीं आ रहा किधर जाएं। मैं शाहनवाज को बोल रही हूँ कि द प्लेस के ऊपर एक नई जगह खुली थी, फ्लैम करके, आई थिंक, आई डोंट नो इफ मैं उसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। तो मैं कह रही हूँ वहाँ चलते हैं, बट शाहनवाज इज़ लाइक कि नहीं, मुझे कोई नई जगह नहीं ट्राई करनी। नहीं नहीं अभी आपने बोला है ना, तो चलो वहीं चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी 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 माइंड बदला है भाई, पहले मैं बोल दूं लिटरली वाइफ बोले, छोड़ो मिसेस बोले और मीर ना माने, ऐसा हो सकता है? चलो भाई अगले कट में हम द प्लेस के ऊपर वाला रेस्टोरेंट फ्लाम लाम लाम में होंगे। चले अभी हम लोग रास्ते में हैं, द प्लेस जा रहे हैं, इब्राहिम वालों को कर ले, इब्राहिम वालों को फोन कर लें क्योंकि उनको भी खाने पे लेके जाएं, बेचारों ने कब तक खाना खाया हो नहीं खाया हो। चले पूछे पूछे कॉल सब, ऐसे बुरा लग रहा है कि उनको नहीं लेके जाना। हेलो, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम, मैं सारा वहां द प्लेस के ऊपर वाला जो कैफे वहां जा रहे हैं, आप लोग चलोगे? आप और इत्तेजा, चलो भाई यू टर्न करें, चलोगे? चलो तो जल्दी से तैयार हो, मैं पहुंच रहा हूं घर। एक सेकंड होल्ड। अच्छा हेलो सुनो, तुम लोग का स्कूल नहीं है कल? स्कूल वो कौन जाता है? अच्छा अच्छा बच्चे, नहीं नहीं हम जाएंगे स्कूल, वो आज एक्चुअली हमने नींद बहुत की है ना। अच्छा आज नींद बहुत की है, चलो पहला दिन है, कोई बात नहीं, वापस आके स्कूल से सो जाना।
कल से रूटीन बन जाएगा। अरे बड़ा भाई नहीं बिगाड़ेगा तो कौन बिगाड़ेगा, मम्मा दादा गाँव गए हैं, माय पेरेंट्स। यस यस, चलो अभी जल्दी से तैयार हो। ओके ओके ऑन इट। वी स्पॉइल। मैं 10 दिन बाद यूके चला जाऊंगा, मेरे सर का दर्द नहीं है। भाई डिफेंस के सारे रोड तोड़ के चकना चूर हो चुके हैं, इनने बेड़ा गर्क कर दिया है हर जगह का। मगर अच्छा है कम से कम अगले साल बारिशों में टूटा फूटा रोड थोड़ी ना हमको मिलेगा। लेकिन यार हम डिफेंस वाले ना ये दुख दर्द सह लेंगे, आप हमारे सारे रास्ते तोड़ दो, सब तोड़ दो, मगर बारिशों में हमें फिर से डुबाओ नहीं, खुदा के लिए। कसम से फ्लड आ गया था, मैं तो पता है क्या हुआ था किस्सा, मैं अपने दोस्त के घर पे था। क्यों 10 दिन बोला शाम, अभी तो 2 महीने हैं ना। क्या 10 महीने हैं? नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ तो भाई हम लोग घर पहुंच गए, इर्तिज़ा भी रेडी हैं, बस इब्राहिम को देख रहे हैं कि इब्राहिम भी रेडी हो जाएं, थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, हमारा मॉडल कल को बनेगा लड़का। इब्राहिम रेडी हो? यस यस। आ जाओ आ जाओ, चलें चलो आओ। सारा बेगम जी, बेगम बीवी औरत, व्हाट्स अप, लेट्स गो, we're getting late, I'm hungry, मुझे भूख लग रही है। वैसे कहते हैं कि लड़कियां लेट कराती हैं, मगर शाह पापा और शाह पापा के भाई सबसे ज्यादा लेट ये करते हैं। मैं आज 2 मिनट में, 2 मिनट में सबसे ज्यादा ये तैयार होने में लेट, 2 मिनट में तैयार हूं, 2 मिनट। If you think I get dressed late, he does. आप मुझे उधर, आप अगर थोड़ा रिमाइंड करें वीडियो में क्या था, 2 मिनट में मुझे किसने तैयार कराया, इन्होंने, और बोला मैं हकीकत में जल्दी तैयार हुई क्योंकि मैं 2 मिनट में तैयार हूँ। अभी मैं यहाँ पे आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, 2 मिनट में तैयार। 100 दिन में कोई एक दिन ऐसा आता है जिसमें आप 2 मिनट में तैयार होती हो, तो उसके 99 दिन कहाँ गए जो मैंने 99 दिन इंतजार किया उनका हिसाब दे रही औरत। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। देखें ये तो 2 मिनट में तैयार हो गई, पशाबा कोई फायदा हुआ, जैसी थी वैसी ही दिख रही हैं। कहाँ से यार? गाइस मैं माफी मांगता हूँ, 2 मिनट में काइली जेनर से भी ज्यादा अच्छी दिख रही है मेरी भाभी, सॉरी भाभी सॉरी। जीते रहो जीते रहो भाई। पिछले आधे घंटे 40 मिनट से घर में पागलों की तरह भाग रहे, मेरा एक बिल्ला है सिम्बा, वो घूम गया था, मिल ही नहीं रहा था, ढूंढ ढूंढ के आपको बोला था रास्ते में, ये कैबिनेट के नीचे ही होगा, टीवी वाले के। इस कैबिनेट में घुस कैसे सकता है? एक्सप्लेन योर सेल्फ, हाउ डेयर यू गेट लॉस्ट। चलो भाई अब खाने पे चले, लेट हो गया, चलो। तो भाई इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहाँ पे खत्म होता है। बाय 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 बाय।